के मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता। मोहब्बत मोहब्बत रंग दे जाती है जब मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन ये फिल्टर ने कौन सा नहीं रंग दे दिया, ये मोहब्बत का रंग तो नहीं है। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, जिंदगी हो तो ऐसी सफेद तो हमारे भी झांट के बाल हो जाएंगे। ये कोई मैंने जोक क्रैक नहीं किया, सच है और सच कड़वा होता है। लेकिन भंचित ये कौन बोलता है अभी कि सिंगल लौंडा हमेशा अपनी एक्स का भड़वा होता है। कुछ भी अंजी, तो टाइटल थंबनेल देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं आज तुम्हारी अपनी एक साथ गांठ जलाने वाला हूँ। तो मैं आज तुम्हें मिलाने वाला हूँ दादाजी से, मेरे दादाजी नहीं, मेरे दादाजी तो कब के, माफ करना दादा, तुम्हारे दादाजी से भी नहीं यार। तो मैं आज तुम्हें मिलाने वाला हूँ इंस्टाग्राम के छपरी निब्बा निब्बी के फ्यूचर दादाजी राहुल जगताप सर से। इनका नाम जितना महान वैसे इनका काम चुम्मेश्वरी, देखते ही झड़ जाओगे, लेकिन भैंचो इनसे आगे कभी ना बढ़ पाओगे। जिस उम्र में लोग करते हैं भजन, उस उम्र में हमारे दादाजी, हमारे नहीं छपरी निब्बा निब्बी के दादाजी कर रहे हैं मनोरंजन। तो एंड तक बने रहना और आइए आपकी भी सिंगल झंड और रंडवापन वाली जिंदगी में भरते हैं थोड़ा सा रंग। मेरा है जमाने से अलग रास्ता, 100 नहीं 1000% सर दादाजी, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो पूरा रास्ते ही अलग, अगर उस रास्ते में आपके जैसे कुछ और दादाजी आ गए बेरोजगारी के साथ साथ सिंगल लोगों की भी आबादी बढ़ जाएगी, फिर आत्मनिर्भरता की सीमा इस कदर पार होगी कि हर सुलभ शौचालय में मुठ्ठलों के लिए अलग से सेक्शन बनाया जाएगा कि कृपया आप यहाँ मुठ मारे। तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। और कितना करीब करोगे दादाजी, साथ में स्वर्ग लेके प्रस्थान करने का इरादा है क्या? अगर ऐसा है तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दो, क्योंकि मेरे दोस्त के दादाजी कह गए थे कि स्वर्ग में परियां होती हैं, तो फिर इस गोल्डिगर परी का क्या करोगे वहाँ, इसे यहीं छोड़ दो, इसका रिचार्ज कोई और भरवा देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई वो छुप के छुपा दे, देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी। ओ पापा की पापा की पापा की परी, तुमने देर कर दी बड़ी दिमाग लगाने में, तुमने किसी को नहीं देखा लेकिन तुम्हें आते हुए लाखों लोगों ने देखा। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल सही दादाजी, आप ना बहुत बहुत ओपी वाले दादा हो, क्योंकि आपको भी पता है हम आपका मुकाबला करने के लायक जब तक बनेंगे तब तक आप खत्म। चेहरा तो मिल जाएगा हमसे भी खूबसूरत, पर बात जब दिल पर आएगी ना हार जाओगे। जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं है, दादाजी का तजुर्बा है। वो जैसे कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कह गए थे, वैसे ही आने वाले निब्बा निब्बी भी यही बोलेंगे कि हमारे इंस्टा वाले बड़े बुजुर्ग कह गए थे। क्या कह गए थे? ये कह गए थे चेहरा तो मिल जाएगा हमसे भी खूबसूरत, पर बात जब दिल पर आएगी ना हार जाओगे। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है, सिर्फ उम्र ही ज्यादा है दादाजी, बाकी आपका स्वैग तो बहुत हार्ड है। काश इन फ्यूचर हम भी ऐसे बाहों में लेके घूमे परियां हजार, लोग देख के बोले ठर की बुढ़ा भोसड़ी का है बेकार। पहले मैं बहुत रंडवा फील करता था, फिर मेरी मौसी के छोटे बेटे ने कहा कि दादाजी की वीडियो देख लो सब ठीक हो जाएगा, और फिर मैंने दादाजी की वीडियो देखी, कसम से बहनचोद कसम से रंडवा शब्द से भरोसा उड़ गया है। गाइस कोई नया शब्द कमेंट में बताओ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हम भी निकले थे मोहब्बत के सफर में, खर्चा बहुत था, वापस आ गए। दादाजी आपको खर्चे की वजह से वापस लौटना पड़ा? सिट यार सिट सिट सिट। अरे दादाजी गले की एक चैन बेच देते और सफर में निकल जाते, काश यहाँ से दोबारा आके हमारी गंड न जलाते। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर का इन फ्यूचर वाला बुढ़ा बोल रहा है। तो बढ़ाते हैं नेक्स्ट कदम और जंप मारते कमेंट बॉक्स में हम। अभी से 6-2-8 दादाजी आप ना पैंपर्स खरीदिए, ये सब आपके बस की बात नहीं,
बेटा बेटा व्हाट्सअप बेटा, क्यों तुम्हारी गांड से टट्टी का सैलाब निकल रहा है क्या भोसड़ी के, जो तुम दादाजी को पैंपर्स खरीदने को बोल रहे हो? बेटा अपनी आइटम पे ध्यान दो, वरना तुम्हारी आइटम को भी इसी तरह कोई दादाजी ले जाएगा। तू भी तो वही कर रहा है मेरे आठवें भाई, लेकिन तेरी आइटम को दादाजी नहीं मैं ले जाऊंगा, वो भी थूक लगा के। सासा माला फेरो माला। सुरेश बेटा तुम ना आइंदा से ना गुटका थूक के कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा करो, झाट खुद नहीं समझ पाते हमें भी उलझाते, पता नहीं भोसड़ी के तुम्हारा जुबान के अलावा गांड भी केसरी है। बात खर्चे की नहीं है, अब भाई साहब का खड़ा ही नहीं होता होगा। हे अजय भाई, अब तुम हमारी नजर में आए हो तो खाली कान तो नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ बोल के ही भेजेंगे। तो एक बात बताओ, माना दादाजी का खड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे वाले सामान ने अभी से जवाब दे दिया। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार 2.5 किलो की बंदूक नहीं, ये 1.5 किलो का दिमाग होता। ओ मैं क्या दादाजी, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, माना आपके बाल नहीं झड़े हैं लेकिन आपका दिमाग झड़ गया और 1.5 किलो का नहीं 1.5 पाव का बचा, वो भी बहनचोद इन परियों के काबू में है और दादा बेकाबू है। झूठ मत बोलो दादाजी, वो आपको नहीं देख रही, वो मुझे देख रही है। बेबीज बदनाम हेयर। एक राज की बात बताऊं, मेरी किस्मत झंड है इसलिए बहन चो दूसरे की बेबीज को अपनी बेबीज बोलना पड़ता है, क्या है जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो टुडे टुमारो हिटरों की लमसम मारो, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक करो इंतजार और इस वीडियो को दो अपना प्यार। जय श्री राम।